Namaskar friends, Namaskar from Astrologer Naresh Khatri. बात करेंगे आज बुध ग्रह के जो मघा नक्षत्र के भ्रमण है उसके बारे में. बुध महाराज 20 जुलाई से 16 अगस्त तक मघा नक्षत्र में भ्रमण कर रहे हैं, जो प्रत्येक राशि के लिए कैसा रहेगा आइए देखते हैं उसके बारे में विस्तार से. बुध सिंह राशि में मघा नक्षत्र में 20 जुलाई से 16 अगस्त तक रहने वाले हैं. राशि चक्र की प्रथम राशि जो है वो मेष है और मेष राशि को ये भ्रमण जो है वो पंचम स्थान में होगा, जिसके कारण संतान के लिए थोड़ा सा टेंशन रहेगा. वृषभ राशि के वो ये भ्रमण जो है वो चतुर्थ स्थान में है, जिसके कारण प्रॉपर्टी से या प्रॉपर्टी रिलेटेड थोड़ा टेंशन हो सकता है. मिथुन राशि को पराक्रम स्थान में होगा, जिसके कारण ये साहस में थोड़ी सी रुकावट कर सकता है, अदरवाइज ब्रदर सिस्टर रिलेशन में थोड़ा सा टेंशन हो सकता है. कर्क राशि को जो ये भ्रमण है वो धन स्थान में है, फैमिली अदरवाइज फाइनेंस रिलेटेड मैटर में थोड़ा टेंशन मिल सकता है. सिंह राशि को अननेसेसरी स्ट्रेस मिलेगा, अननेसेसरी टेंशन मिलेगा, कहीं ना कहीं से कुछ नहीं होगा तो भी कहीं ना कहीं से कुछ टेंशन क्रिएट हो जाएगा. कन्या राशि को सेविंग रिलेटेड टेंशन हो सकता है. तुला राशि को मित्रों से स्ट्रेस मिल सकता है. वृश्चिक राशि को बिजनेस में अदरवाइज फादर या मदर के रिलेटेड थोड़ा सा स्ट्रेस मिल सकता है. धन राशि को भाग्योदय में थोड़ा सा रुकावट का एहसास करना पड़ेगा. मकर राशि को ये भ्रमण जो है वो अष्टम स्थान में है, जिसके कारण जो भी इंटेलेक्चुअल कार्य कर रहे हैं उसमें उनको थोड़ा सा विघ्न जैसा डिस्टर्बेंस जैसा मालूम पड़ सकता है. कुंभ राशि को पार्टनर से टेंशन मिलेगा. मीन राशि को जो ये भ्रमण है छठे स्थान में है, जो कि शत्रुओं से एनिमी से आपको अननेसेसरी स्ट्रेस टेंशन दिलाएगा. तो फ्रेंड्स इसका निवारण क्या है, रेमेडीज क्या है ये देखते हैं उसके बारे में. हरे वाले मूंग को कबूतर को देना है आपको, हरे वाला जो मूंग है वो कबूतर को दें और विष्णु भगवान की उपासना करें और घर से पान चबा के निकलें, अदरवाइज ग्रीन कलर के कपड़े का उपयोग करें. एक और प्रेडिक्शन के बारे में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. नमस्कार.